नमस्कार, मैं हूं मनीष कुमार और आप देख रहे हैं हिंदुस्तान टीवी। पत्रकार मनीष कश्यप पर लगा एनएसए हटा। दिवाली से पहले मनीष कश्यप के लिए आई खुशियां, धुला देशद्रोह का दाग। आपको बता दें कि तमिलनाडु में बिहारियों के खिलाफ हिंसा की खबर और वीडियो को लेकर बिहार के पत्रकार मनीष कश्यप पर तमिलनाडु की सरकार ने एनएसए लगाया था। इस मामले पर मनीष कश्यप को मदुरै की अदालत से दिवाली से पहले बड़ी राहत मिली है। त्रिपुरारी कुमार उर्फ मनीष कश्यप की जमानत को भी तमिलनाडु के मदुरै कोर्ट से मंजूरी मिल गई है। मदुरै कोर्ट की तरफ से मनीष कश्यप के खिलाफ लगाए गए एनएसए की धाराओं को हटाने का भी फैसला आ गया है। कोर्ट के इस फैसले के बाद से मनीष के समर्थकों और परिजनों में खुशी की लहर दौड़ गई है। दरअसल कोर्ट के द्वारा एनएसए की धाराओं को हटाए जाने के बाद मनीष कश्यप पर लगा देशद्रोह का दाग भी धुल गया है। हालांकि इस फैसले के बाद भी मनीष कश्यप को अभी जेल में ही रहना पड़ेगा। बिहार में उनके ऊपर दर्ज मामले की वजह से उनकी जेल से रिहाई अभी संभव नहीं है। ऐसे में बिहार में उनके खिलाफ दायर मामलों में जब तक उन्हें जमानत नहीं मिलती है उनकी जेल से रिहाई संभव नहीं हो पाएगी। 18 मार्च 2023 को मनीष कश्यप ने बिहार में पुलिस के सामने सरेंडर कर दिया था, तब जब उनके घर पर कुर्की जब्ती की प्रक्रिया शुरू कर दी गई थी। इससे पहले मनीष कश्यप इन सभी मामलों में पुलिस से बचते फिर रहे थे। हालांकि सरेंडर के बाद बिहार पुलिस से पूछताछ खत्म होने के बाद मनीष कश्यप को गिरफ्तार कर वहां की पुलिस मदुरै ले गई थी।